वेलकम बैक टू माय चैनल रॉयल सुषमा। एंड आज मेरे साथ मेरी किचन में आपको मैं एक चीज़ एक रेसिपी भी बोल सकते हैं और कुछ खाने की चीज़ है, पर ये ऑल टाइम नहीं खा सकते। ये कोई कोई चीज़ में हम डालते हैं, दैट केस आप गेस करो। तो मैं आपका थोड़ा दो मैं टाइम ले लूँ, मैं भी सस्पेंस बना के कि ऐसी क्या चीज़ जो हम अपनी किचन में बनाते हैं पर उसका हम यूज़ कभी कभी करते हैं, फिर हम डायरेक्ट खरीदते भी हैं, कोई बड़ी बात नहीं, पर हम घर पर भी बना सकते हैं उस चीज़ को। बनाते हैं बहुत सारे लोग, मैं तो बस भाई ये काम बहुत पहले से कर रही हूँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी उसके पहले भी मैं करती थी। याद नहीं आया आप लोगों को? एक मिनट, अभी याद आ जाएगा। अभी आया समझ में? ये है मलाई और इसका आज मैं बनाऊंगी घी। पर एक नए तरीके से, हम लोग जो बनाते हैं ऐसे घर पे हाथ से या कोई चीज़ से मैश करते हैं, अब तो आज मैं थोड़ा सा दिमाग से काम करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, और इजी हमारा इससे गैस का भी बचत होगा, हमारा टाइम का भी बचत होगा, और साथ में हम थकेंगे भी नहीं है। देखते हैं कि क्या। सबसे पहले तो ये काम आपको करना था सा भाई, तुम्हें तो बहुत थोड़ा सा भाई लगा था कि यार हाथ से ऐसे 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 मिलाओ तो बहुत टाइम रहता था, तो उसके लिए मैंने आज एक नई तरकीब निकाली। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या करूँगी इसके साथ। तो मैं इसे इस मिक्सर के बाउल में ट्रांसफर करूंगी, ओके। और इसमें एक ही चीज़ है, थोड़ा सा हम दिमाग से यूज़ करेंगे तो हमारे लिए ठंडा गर्मी ऑल टाइम ये हमारे यूज़ का हो जाएगा। तो ये मैंने इसमें डाली है, ऐसा आप देख सकते हो। और इसमें हम डालेंगे चिल्ड वाटर, ये मस्ट है, तो मैं इसमें ये डाल दे रही हूँ। लगभग मैंने डाला है इसमें आधा ग्लास से कुछ ज़्यादा। तो अब हम इसे कर लेंगे बंद। ये रहा मेरा मिक्सर, अब इसे थोड़ा सा इसे चला देंगे, थोड़ा सा मिक्सी में इसे हम चलाते हैं। और रहा है कि इसे मैं ज़्यादा नहीं चलाना है, लगभग 30 से 40 सेकेंड के अंदर का हाल देखते हैं कि ये कैसा है। अंदर से आपको ऐसा मिलेगा, मैं ऐसे कोई चीज़ में निकल के दिखाती हूँ कि ये मैंने किया क्या है इसका। तो पहले आप ये देख लो कि मैंने इसी प्लेट में इसका छाँच अलग कर दिया है, ये बिल्कुल भी इसमें छाले नहीं है, बिल्कुल छाँच लस्सी या आप इसे मट्ठा जो भी बोलते हैं, तो ये अलग हो गया। और आपको मैं बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर हम दही को सॉरी छाली को ऐसे मैश नहीं करेंगे तो इसमें से घी नहीं निकलेगा, निकलेगा पर वो कम लेवल पे निकलेगा, ऐसा देखते हैं कि ऐसा लोग कहते हैं तो ऐसा करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि हमारा जो ये घी निकला, जो मलाई निकला, मलाई भी घी बनानी है सॉरी, तो मलाई निकला वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। तो अब ये देखो गाइस ये कैसे निकला है, इसका पूरा मलाई एक साइड हो गया, उसके जो वाटर थे वो साइड हो गए। तो ये आपने देखा, ये एक बहुत ही कमाल का नुस्खा। अब इसे बनाते हैं और देखते हैं कि लगभग घी कितना निकलता है इसमें हमारा। तब तक हम सुन लेते हैं थोड़ा सा। तो ये मेरी घी इधर उबल रही है, एंड जब ये बन जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी इस दौरान ये कितना निकला, ओके। आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो, आपको कोई भी चीज़ आपको समझ में आई हो, स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि लड़के तो घी बनाएंगे नहीं, बनाएंगे तो गर्ल्स ही। अगर आपके लिए कोई भी आपको समझ में आया हो मेरा बात, और आपको अगर ये लगा हो कि नहीं ये जो मेरा तरीका बताया वाजिबन ये इजी है, तो मेरी वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और तब तक के लिए बाय बाय।